बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हूं महमूद असगर चौधरी। अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ हाजिर हूं, जिसमें हम यूरोप भर में होने वाली ताज़ा तरीन खबरों, सियासी, समाजी और इमिग्रेशन के मामलों को डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस के हवाले से वैक्सीन कंपनियों की आपस में रेस जारी हो गई है। बहुत ही अच्छे दावे किए जा रहे हैं कंपनीज के जो साइंटिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं, मैनेजर्स हैं, उनका कहना है कि अगले साल मौसम सरमा तक कोरोना वायरस का खात्मा कर देंगे। कौन सी नई कंपनियां इस दौड़ में शामिल हुई हैं और कौन से रिजल्ट आ रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इटालियन एम्बेसी जो लंदन में मौजूद है, उसने अपने शहरियों के लिए इतालवी जुबान में वेबसाइट तैयार करवाई है, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ब्रेग्जिट यानी 31 दिसंबर के बाद जो इटालवी शहरी हैं वो बरतानिया मुंतकिल नहीं हो सकेंगे काम के सिलसिले में। हाँ, अलबत्ता मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि अगर वो शिफ्ट होना चाहेंगे तो उन्हें क्या करना होगा। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि अगर आप ग्लासेस पहनते हैं, अगर आप चश्मा यानी ऐनक इस्तेमाल करते हैं और आप मास्क भी लगाया हुआ है तो आपकी ऐनक गंदी हो जाए और आप अगर सही तौर पर नहीं देख सकते तो उसका हल क्या है। हमारे साथ रहिएगा और मेरे आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हमारे चैनल को लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, एक हफ्ते पहले अमेरिकन कंपनी फाइजर और उसके पार्टनर जर्मन पार्टनर बायोटेक ने यह दावा किया था कि उन्होंने वैक्सीन ईजाद कर ली है कोरोना वायरस के खिलाफ, और उसका कहा था कि उसका रिजल्ट 90% है, 90% उसका रिजल्ट है। तीन फेजेस उन्होंने पार कर लिए थे और उनके मुताबिक ये 43,000 लोगों के ऊपर, 43,000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर ये आजमाई जा चुकी है। अर्जेंटीन, जर्मनी और अमेरिका और अफ्रीका और तुर्की में ऐसे लोगों पर ये आजमाई गई है। मैंने आपको ये खबर भी ब्रेक की थी कि उस कंपनी के जो पीछे बिहाइंड मेन जिसका वर्क है, जो फाउंडर है, वो एक तुर्क नजाद इमिग्रेंट है, जो हमारे लिए बड़ी अच्छी खबर थी। दो दिन पहले एक और कंपनी, अमेरिकन कंपनी मॉडर्ना ने भी ये दावा किया है कि उनकी जो वैक्सीन है वो भी कोरोना वायरस को रोकने में कामयाब हो जाएगी, और इस दफ़ा उन्होंने जो परसेंटेज का दावा किया है वो 94.5% का दावा किया है। जो फाइजर और बायोटेक ने वैक्सीन ईजाद की थी उसमें उनका कहना था कि वो इस साल के अंदर अंदर 50 मिलियन के करीब जो है वो कोरोना वायरस की वैक्सीन भेज देंगे और दुनिया को अगले साल जो है वो तकरीबन 1.3 अरब के करीब वैक्सीन पहुंचा देंगे। और कल परसों उनके फाउंडर का दोबारा बयान आया है कि वो अगले साल तक कोरोना वायरस जो है वो तकरीबन ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे और उम्मीद अफजा किस्म के नतायज जो है वो सामने आएंगे। इस दौरान एक चीज़ जो हमारे जैसे ममालक यानी पाकिस्तान वगैरह के लिए थोड़ी सी परेशानी का बायस थी, क्योंकि उसकी जो वो वैक्सीन है उसमें बाकायदा जो टम्परेचर रखा गया है वो तकरीबन ये कहा गया था कि ये वैक्सीन -70 डिग्री तक जो है वो उन ट्रकों में रख के लेकर जाना पड़ेगी जिसमें -70 डिग्री फ्रिज का इंतज़ाम हो। तो पाकिस्तान जैसे गर्म ममालक ने इस पर अपने खदशात का इजहार भी किया था कि ये कैसे मुमकिन होगा कि मुस्लिम ममालक में उसको लेकर जाया जाए। लेकिन अब जो मॉडर्ना कंपनी है अमेरिका की, उसने ये दावा किया है कि उनकी जो वैक्सीन है वो -20 डिग्री जो है उस पर भी रह सकती है और -20 डिग्री सेल्सियस पर भी रह सकती है। तो एक लिहाज से इन्होंने एक अजाफी जो है वो एक किस्म का दावा किया है। इनका ख्याल है कि ये 30,000 लोगों पर आजमा चुके हुए हैं और अभी मजीद जो है वो इस पर काम हो रहा है। इसके साथ साथ एक बेल्जियन कंपनी जानसेन जो ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर कर रही थी, उन्होंने भी दावा कर दिया है कि वो भी अपने तकरीबन तीन फेज जो है वो कंप्लीट कर चुके हुए हैं और अब वो यूके में कम अज कम 6,000 के करीब नए वॉलंटियर जो है वो बंदे भर्ती करेंगे और 30,000 का फिगर पूरा करेंगे वो भी, और जो है वो इस दौड़ में वो भी शामिल हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि वैक्सीन से भी बड़ा मसला ये होता है कि लोगों को चेक किया जाए कि ये इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, लोग इससे बीमार तो नहीं हो जाएंगे। इनके अलावा अब चाइना की वुहान इंस्टीट्यूट की कंपनी भी जो है वो
करीब तरीन है तीन फेजेस के हवाले से। रूस ने यह दावा किया है कि वो भी करीब तरीन है वैक्सीन के तैयारी के हवाले से। ब्राज़ील में अलबत्ता चाइनीज़ कंपनी का जो सिनवोक कंपनी थी उन्होंने अपना तीसरे फेज के बाद रोक दिया है क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत बुरे आए हैं, एक शायद डेथ हो गई है, तो वो वहीं पे चीज़ जो है वो रुक गई है। तो उम्मीद की जा रही है कि जितनी तेज़ी से ये इस रेस में शामिल हुए हैं, अभी जो फाइनल ट्रायल चल रहे हैं दोनों कंपनियों के, मॉडर्ना के भी, फाइजर एंड बायोटेक के भी, तो इससे उम्मीद की जाती है, तमाम ममालक ने बुकिंग करवाना शुरू कर दी है, यूके ने, इटली ने, यूरोपीय यूनियन ने, और इसके अलावा पाकिस्तान ने भी, अब वज़ीर आज़म साहब ने यह ऐलान किया है कि वो भी बुक करवा रहे हैं। तो उम्मीद की जाती है कि ये बहुत जल्दी होगा, कोरोना को रोका जा सकेगा। अभी कल फाइजर ने दोबारा ये दावा किया है, क्योंकि अब परसेंटेज का रेस शुरू हो गया है, तो फाइजर ने भी ये दावा किया है कि उनकी जो वैक्सीन है वो बूढ़े आदमियों पर 94% जो है वो 94% जो है वो असर करेगी और उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। तो इस लिहाज से ये ख्याल किया जा रहा है कि दुनिया अगले साल मौसम सरमा से पहले पहले रूटीन पर वापस आ जाएगी, क्योंकि अगर ये वैक्सीन लगना शुरू हो गई तो ये भी एक उसके फैलाव के रुकावट में मददगार साबित हो सकती है। जी नाज़रीन, मैं आपको बता रहा था कि इटालियन एम्बेसी जो है लंदन में, उसने आज अपनी प्रेस रिलीज में अपने इतालवी शहरियों को ये बताया है कि यूके मुंतकिल होने के हवाले से जो लोग काम की तलाश में आते थे वो आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। इटालियन एम्बेसी ने एक जो बरतानवी गवर्नमेंट के साथ मिलके इटालियन जबान में, अतालवी जबान में जो है वो एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह जो है वो आप 31 दिसंबर के बाद आप किस तरह यूके में आ सकेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कही गई है कि 31 दिसंबर आखिरी डेट है, उसके बाद जो लोग हैं वो नहीं आ सकेंगे बरतानिया में काम के सिलसिले में। हाँ, अगर वो सैर के लिए आना चाहते हैं तो वो आ सकेंगे पासपोर्ट के साथ उनकी, लेकिन चेकिंग होगी, 6 महीने के लिए वो सैर के वीज़े पर आ सकते हैं, लेकिन वो रिहाइश इख्तियार नहीं कर सकेंगे, वो काम नहीं कर सकेंगे और वो दीगर बेनिफिट अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इस वेबसाइट में ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि जो बरतानवी हुकूमत एक पॉइंट बेस सिस्टम शुरू करने वाली है, उसके तहत अगर कोई बंदा बरतानिया आना चाहेगा तो उसे 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि उसे कोई वर्क की ऑफर हो, उसे कोई मालिक बुलाना चाहे, और उनकी जो आमदन की शर्त है वो तकरीबन 26,500 यूरो सालाना है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है, और इंग्लिश जो है उसको B1 लेवल की जो है वो इंग्लिश का टेस्ट उसके पास सर्टिफिकेट मौजूद हो। तो ये 3 शर्तें होंगी, और इसके अलावा वो जो एप्लीकेशन है वो gov.uk पे जाके दे सकेगा। और इसके अलावा जो लोग हेल्थ एंड केयर के शोबे से वाबस्ता हैं, जैसे डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, उनके लिए थोड़ी आसानी होगी। और इसके अलावा जो लोग ग्लोबल टैलेंट के जिम्मे में आते हैं, या मतलब हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर और आर्टिस्ट और उस लेवल के जो बंदे हैं वो आ सकेंगे, और इसके अलावा वो लोग आ सकेंगे जो स्टार्टअप इनोवेटर बिजनेस के हवाले से। वो एक बहुत बड़ी एक लिस्ट होगी पॉइंट बेस सिस्टम में, जिसमें आपको अपने सारे पॉइंट चेक करना पड़ेंगे। ये ऑस्ट्रेलियन सिस्टम होगा, ऑलरेडी जो बरतानवी हुकूमत है वो प्रोग्राम बना चुकी हुई है कि वो कैसे आएंगे। तो जिन लोगों को इटालियन जबान से दिलचस्पी है वो उस वेबसाइट का मुतालिया कर सकते हैं, हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी देंगे। जी नाज़रीन, कोरोना वायरस में एक मास्क जो है वो तकरीबन हर मुल्क ने लाजमी कर दिया हुआ है, और ये आपकी सेहत के लिए भी ज़रूरी है, आपको चाहिए कि आप मास्क इस्तेमाल करें। लेकिन मास्क के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि जो लोग ऐनक लगाते हैं, जो लोग ग्लासेस लगाते हैं, वो जब मास्क पहनना चाहते हैं तो उनको मसला हो जाता है, क्योंकि वो मास्क की वजह से धुंधला हो जाता है, क्योंकि इंसान का सांस निकल के उस ऐनक को धुंधला कर देता है। तो एक डॉक्टर ने बड़े अच्छी तजवीज़ पेश की है ट्वीट के जरिए, उसने तरीक़ेकार बताया है, बड़ा आसान सा हल है। अगर आप अपने उस मास्क के ऊपर सनी प्लास्ट यानी कि आप लगा लें सिंपल, तो वो ब्लॉक कर देगा, हवा को ऊपर की तरफ जाने नहीं देगा, और आपके जो ऐनक है वो गंदी नहीं होगी, और आप बड़े अच्छे तरीके से देख सकेंगे।
तबसरा ये है कि जी सबसे पहली बात ये मुझे इटालियन अम्बेसी का जो तरीक़ेकार है वो बहुत पसंद आया अपने शहरों के लिए। उन्होंने एक एक लफ्ज़ जो है वो इटालियन ज़बान में लिख के पूरी की पूरी वेबसाइट ट्रांसलेट करवा ली है। काश ऐसा हो कि हमारे जो लोग पाकिस्तानी हैं वो दुनिया भर से इधर आते हैं तो हमारी हुकूमतें भी जो इस सिलसिले में जो भी कोई कानून आए, इस तरह की तजावीज़ हम पहले इटली में और दीगर ममालक में भी दे चुके हैं, मैं दोबारा तजावीज़ देना चाहूँगा कि काश हमारी जो हुकूमतें हैं, हमारी जो एम्बेसीज़ हैं, वो भी इस तरह वेबसाइट्स को जो है वो अपनी ज़बान उर्दू में तर्जमा करवा दिया करें ताकि हमारे जो शहरी हैं उन तक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँच जाया करें और वो एजेंटों से बच जाया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, आइंदा फिर किसी वीडियो में।